हेलो एवरीवन, क्या आप लोग परेशान हैं अपने बालों से? आपके बाल हो रहे हैं फ्रीजी, बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, जो नेचुरल शाइन होता है वो नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर्स के लिए एक ऐसा विटामिन ई कैप्सूल जो सिर्फ 3 रुपए का होता है, लेकिन अगर आप इसके फायदे सुन लोगे ना, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि एक 3 रुपए का कैप्सूल, बेसिकली जो ऑयल होते हैं, काफी सारी कंपनीज ऐसा बताती हैं कि अगर आप इस इस्तेमाल करते हैं इस ऑयल का, तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, हेयर फॉल नहीं होगा। लेकिन कैप्सूल जो होता है ये कभी ऑयल बेस में क्यों नहीं आता, ये कैप्सूल बेस में क्यों आता है? और इसका अगर कॉस्टिंग की बात करें तो 3 रुपए का है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है ना वो 1000 रुपीज के बराबर है। और अगर भी आप भी अपने बालों की छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशान है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी आज आपके लिए लाई हूँ विटामिन ई का जो हेयर ऑयल है, इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है और क्या क्या परेशानियां इससे दूर होती है, इस बारे में वीडियो। और आप सभी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी मेरी वीडियोज देखते हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, और आगे भी अगर आपने पहली बार वीडियो पे आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट जरूर करते रहिए, आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिएगा। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन ई का जो कैप्सूल है इसे अप्लाई कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या क्या है। तो दोस्तों, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत ईजिली मिल जाएगा ये कैप्सूल, और एक कैप्सूल की क्वांटिटी की जो कॉस्ट है वो 3 रुपए है मुश्किल से। और इसके जो फायदे हैं ना वो बहुत सारे हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्पेशली जो बारिश का टाइम आ रहा है, रेनी टाइम में सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है। इसका रीजन होता है कि हमारे रूट्स में स्वेटिंग हो रही होती है, नमी हो रही होती है, बार बार बाल भीग रहे होते हैं, तो इससे हमारे जो रूट्स होते हैं वो काफी वीक होने लगते हैं और जो हेयर फॉल होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो ये जो कैप्सूल है, अगर आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हेयर्स में तो भी रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि इसको ऑयल के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़ा थिक होता है ये, और अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा इचिंग या जो रूट्स है उस पर अच्छे से नहीं लग पाएगा। आपके जो पोर्सेस होते हैं, बालों के जो जड़े होती हैं, स्काल्प होते हैं, वो इसे एब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा इसे या तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर लगाना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट से एक डेमो दे देती हूँ आपको। रात में सोने से पहले लगाइए, पूरी रात लगा के रखेंगे, सुबह शैम्पू कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ये आपको। और जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल हो, फ्रीजी हेयर्स हो, स्काल्प में डैंड्रफ हो, बाल बहुत कमजोर हो रहे हैं, शाइन नहीं आ रही है, बाल बहुत पतले हो रहे हैं, सबके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक बार में 2 कैप्सूल से ज्यादा ना लगाएं, वैसे एक ही काफी है। अगर आप उसे कोकोनट जो ऑयल होता है उसमें मिला के अच्छे से स्काल्प में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो चलिए इसे फटाफट से मैं आपको अप्लाई करके बता देती हूँ। तो दोस्तों, हमें लेना है एक बाउल, और इसमें हम जो कोकोनट ऑयल होता है उसे डाल देते हैं फटाफट से। जितनी क्वांटिटी आपके हेयर्स अगर छोटे हैं तो थोड़ा कम डाल लीजिए, और अगर थोड़े ज्यादा बड़े हैं तो इसमें थोड़ा क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। तो हमने यहाँ पे जो ऑयल है वो निकाल लिया है, कोकोनट ऑयल। इसके अलावा आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम लेंगे इसमें से एक कैप्सूल, इस टाइप से होता है ये। इसको थोड़ा सा ऊपर से कट करना है और इसे हम फटाफट से ऑयल में मिला लेते हैं। तो हमने इसे कट कर लिया है, अब हम इसे मिला लेते हैं। ये काफी थिक होता है, आप देख सकते हैं इस टाइप से। तो ये पूरा एक कैप्सूल इनफ होगा, एक कैप्सूल अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और फटाफट से चलिए बालों पे अप्लाई कर लेते हैं। ज्यादा स्काल्प में लगाएंगे ना, आपके जितने भी डैमेज हेयर्स हैं या आपके जितने भी फ्रीजी हेयर्स हैं ना, वो इतने शाइनी हो जाएंगे। और आप एक बार लिटरली ट्राई करके देखना, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके बाद हम इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे, सुबह जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं उससे हेड को वॉश कर लीजिए, और आप हफ्ते में 1 से 2 बार इसको जरूर अप्लाई कीजिए। डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए, बाल डैमेज होते हैं, बाल खराब होते हैं, हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ता है। अगर आपके लंबे बाल हैं, कोशिश कीजिए 2 दिन या 3 दिन के गैप में शैम्पू करें।
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी, और ट्राई करके देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।